अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? तो और मेरी लास्ट जो वीडियोस दो आई थी तो आपने शायद उनको बहुत पसंद किया, आपने बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे कमेंट आपने किए थे। तो हमने अनबॉक्सिंग की थी, सबसे पहले की थी अनबॉक्सिंग प्रिज्म डिवाइस की। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको अपने वीडियो अपलोड की मेरे यूट्यूब पर, आपने देखा और आपने बहुत इंजॉय किया मेरे वीडियो को और उसकी म्यूज़िक को भी। फिर इसके बाद हमने सेकेंड वीडियो डाली थी और ओमनी की, जो ओमनी डिवाइस जो आपने ये देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये ओमनी डिवाइस जो है ये मैंने आपकी अनबॉक्सिंग की थी उस दिन। फिर आज मैं जो वीडियोस बनाने का जो मकसद है, मेन मकसद जो था वो इसी वीडियो के अंदर ही है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ओमनी और प्रिज्म डिवाइस को आप कैसे फिट कर सकते हो अपने ओमनी के साथ और किस तरह ये टावर पर लगता है। तो फर्स्ट पहले सबसे पहले हम जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, और मेरे यार कुछ लाइक तो कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, मेहरबानी करो यार। तो ये हमारा प्रिज्म डिवाइस है, 5 GHz वायरलेस। तो मैं अब इसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो मैं इसकी पैकिंग वगैरह भी उतारूंगा। तो वेट में काफ़ी माशाल्लाह अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त शेप दिया हुआ आगे से, और यहाँ तक कि इस पर लिखा हुआ है UBNTLO का लोगो है और प्रिज्म लिखा हुआ है और 5 GHz का वो जो फ्रिक्वेंसी है वो भी लिखी हुई है। जीपीएस जो एंटीना भी दिया गया है वो भी इसके अंदर लगता है, और बस एक गाइडलाइन दी गई है। तो ये डब्बे के अंदर जो पीओई है वो हमारी टावर पर लगी हुई है, और वो पीओई वहां टावर पर लगी हुई है। कोई क्या करेंगे, ओमनी को प्रिज्म को ओमनी के अंदर फिट करेंगे, तो वो भी है, बहुत ही आला शेप है। कभी आपने ये शेप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अर्तुगरुल की तलवार जो हमने नियान से निकाल कर यूं किया, बहुत ही आला शेप दिया गया है। और ये बिल्कुल 360 डिग्री में काम करता है, जो इसका जो एंगल है वो 360 डिग्री है। तो इसके अंदर पेच कोट दिए हुए छोटे छोटे दो, जो आप अपने प्रिज्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब प्रिज्म का जो तो गाइस, ये तो मैंने इसको फिट करने के तरीके इस गाइडलाइन के अंदर लिखे हुए हैं। तो मेहरबानी करके आप सबसे पहले ओमनी का जो गाइड है, गाइडलाइन जो कॉपी है, वो आपने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं डालने के, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ओमनी को कोई नुकसान वगैरह हो। तो इससे पहले कि आप ये गाइडलाइन पढ़ लें बेहतर। तो हम सबसे पहले इसके जो चिंटिनन के साइड में रखेंगे, और इस तरह हम इस ओमनी को सीधा पकड़ कर, प्रिज्म को सीधा पकड़कर ओमनी के अंदर डालेंगे। तो ये फिक्स हो गया है ओमनी के अंदर बिल्कुल फिक्स हो चुका है, देखें। तो ये काफी बहुत खूबसूरत शेप दिया हुआ है प्रिज्म और ओमनी का आपस में। जो ओमनी जो है ये 360 डिग्री के एंगल पे काम करती है, जो फ्रिक्वेंसी छोड़ती है 5 GHz, और इसकी जो और इसके साथ जो है आपको ये पैच इंटरनेट के साथ अटैच करने हैं। तो इनमें कुछ चेन्स लिखी हुई हैं, चेन 1 चेन 2। तो आप सबसे पहले इनको जो है इसके साथ इस तरह डालकर इसको लॉक कर देना अपने पैच को। तो जिस तरह ये ओमनी और प्रिज्म आपस में फिक्स हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत शेप तो आया है, तो इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसको अपने टावर पे लगवा हुआ है, आपको वीडियो सेंड करूंगा और वो भी अपलोड करूंगा बहुत जल्द। तो दुआओं में याद रखना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।